आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा, सेंटर कहाँ पर आएगा और इसके लिए आपको कितने दिन पहले जाना पड़ेगा, कितनी तैयारी करनी होगी, कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे और जो आपके एग्ज़ाम होगा कब तक हो जाएगा, सबके बारे में पॉइंट से बात कर लूँगा। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सॉरी फॉर एवरीवन, क्योंकि आपकी क्लास नहीं हो पा रही है बिकॉज तबीयत थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। आप सब सोच रहे हो कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन के वीडियो भी अच्छे से नहीं ला पा रहा क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। 3 दिन से, मतलब 15 अगस्त से अभी तक तबीयत ख़राब ही है, तो ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके कोर्स में करवा दूँगा, कोर्स की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने लगभग 3 यूनिट लगभग आपकी करवा दी है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, जो आपका आरएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अब इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, मतलब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पेन पेपर मोड पर आपका नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन था, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है मेरे पास, इसमें मैं बता दूँ, देख सकते हो आप, लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था आरएचएस ने, कोई मैं फेक न्यूज़ नहीं दे रहा, आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है जो आया हुआ था। तो इसमें दे रखा है जो एडमिशन प्रोसीजर है, उसमें अगर आप जाके देखते हो, यहाँ देख सकते हो, इसमें आप एडमिशन प्रोसीजर में जाकर देखते हो तो क्या होता है, देखते हैं। द एडमिशन वुड बी गिवन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, क्या ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट 2020-21, यानी कि 2020-21 के लिए था, 2020-21-22 के लिए आएगा, 21-22 हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स, बीच में क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर बेस्ड, द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड लेटरली, काइंडली विजिट आरएचएस वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट। यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट करते रहना, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका फॉर सेकिंग द एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर का ये कोर्सेज होता है, और कोर्स सेल भी ऑन द स्टैंडर्ड 10+2 साइंस बायोलॉजी ओनली। इसमें बायो, जिसमें 10+2 में बायोलॉजी है, वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राजस्थान अजमेर और इक्विवेलेंट, यानी कि या तो इसके ये पास आउट हो या फिर इसके इक्वल कोई अदर बोर्ड हो तो वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट आरएचएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 15% सीट्स रिजर्व होती है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप सभी अगर अदर स्टेट से हो तब भी आप भी तैयारी में लग जाइए, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो ऑनलाइन होने वाला आपका एग्ज़ाम। पेपर आपका कितने टाइम का होगा, तो पेपर प्यारे दोस्तों 2 घंटे का होने वाला है आपका, और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे की ड्यूरेशन, इसके साथ 100 MCQ आपके आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है देख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट विच विल बी इंक्लूड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-21। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसका सिलेबस आपको पूरा जो सिलेबस है ऑफिशियल और ऑथेंटिक सिलेबस है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। आपके बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी के मिला के 34 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, 33 क्वेश्चन आने वाले हैं, और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल वाली बुक्स खरीदते हो तो उस बुक्स को पढ़ने से, ओनली उस बुक्स को पढ़ने से आप 20 मार्क्स ऐसे ही गेन कर लोगे, 20 नंबर आपके उस बुक्स को, मतलब बट वो बुक्स आपको गले तक याद होनी चाहिए, ऐसे याद होनी चाहिए कि उसको भूल ना सको, 20 नंबर उससे गेन कर लोगे आप। उसके अलावा यदि आप फिजिक्स की ओनली बुक पढ़ते हो तो 18 प्लस क्वेश्चन आप ओनली बुक से गेन कर लोगे, बाकी जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन बचते हैं, 12 क्वेश्चन आप तो 14 क्वेश्चन मान लो, 14 क्वेश्चन बुक से आप, बुक्स आप तो दोनों ऐसा करो, बुक्स और
क्लास जो अपनी होती है यूट्यूब पर, उन दोनों को अगर वो पढ़ते हो आप, उनसे ही पढ़ते हो, तो 32 प्लस मार्क्स आप आराम से गेन कर लो। कितने नंबर का मटेरियल हो गया आपका? आपका मटेरियल हो गया 32, 32 प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 52 नंबर का, तो यहाँ हो गया। इसके अलावा अभी इसमें कितने 14 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं बायोलॉजी के, तो आपको बता दो रेगुलर क्लासें हो रही है, वो क्लासों में से भी लगभग क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 10 नंबर 14 है तो 10 नंबर उसी में से भी आ जाएंगे, 10 नंबर क्लासों में से आएंगे जो बायो की क्लास हो रही है उसमें 10 नंबर मान लो आप, तो मिनिमम बाकी आने तो ज़्यादा चाहिए लेकिन 10 मान लो उसमें से, ठीक है। तो कितने हो गए 52 और 10 62 जैसे हो गए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 33 में से बुक्स आ रही है और क्लासें हो रही है, तो बुक्स और क्लासें मिलाकर इसमें भी आप 25 से 28 क्वेश्चन मानकर चलो, 25 आप तो 25 मिनिमम मानकर चलो, 25 तो आपके मिलेंगे सही, तो 62 प्लस 25 कितने होते हैं, तो आप सोच सकते हो 62 प्लस 25 87 मार्क्स होते हैं, और 87 मार्क्स पर संभावना रहेगी आपको SMS कॉलेज क्लियरली मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको SMS कॉलेज मिलने से। तो अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हो और पढ़ते हो तो ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी होती है यानी गलती होती है तो उसमें इंग्लिश वर्जन को ही प्रायोरिटी दी जाएगी और इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और बाकी आप सभी को पता है कोई ऐसी ऐसी चीज़ कैलकुलेटर पेजर और मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है एंट्रेंस एग्जाम अंदर। बाकी अगर द डिटेल्स रिलेटिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन BSc नर्सिंग एंटर द एग्जामिनेशन 2021 यानी कि 21-22 आएगा सेल भी, और वेबसाइट पर आपको फर्दर अपडेट मिलती रहती है हमेशा, तो आप अगर किसी पे बिलीव नहीं करते तो आप वेबसाइट को जाकर चेक कर लिया करो, क्योंकि हर जगह आपको अफवाह भी मिलती है, सही बात भी मिलती है, सही देने वाले सही देते हैं और अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाते हैं। और यहाँ देख सकते हो फिर लिखा हुआ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके इसमें, सही क्वेश्चन पर आपको 1+1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन पर कोई भी मार्क्स ना तो काटा जाएगा, 9 नंबर दिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर इसकी क्या होती है काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में होने के बाद फिर कुछ दिन बाद फिर रिजल्ट आता है जो किसका होता है अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है। अब इसके फॉरम कब तक आएंगे तो फॉरम के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके फॉरम आपके आने वाले हैं लगभग अक्टूबर नवंबर में, मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके फॉरम आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी फॉरम आए थे कितने 14 अक्टूबर को फॉरम स्टार्ट हुए थे, 13 नवंबर तक फॉरम चले थे, लगभग इसी टाइम के आसपास इस बार भी आने वाले हैं। हर साल इसका एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन जो सेंटर आता है वो जयपुर में आता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से हर संभाग में इसका सेंटर दे दिया गया था, देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या हर संभाग में देंगे या फिर अपने अकॉर्डिंग देंगे RHS, तो ठीक है, तो वो RHS के ऊपर डिपेंड करता है एंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है किसी सिचुएशन है, ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस इंस्टा ID पर बेझिझक मैसेज कर देना RJ08, इस नाम से आपका इंस्टा ID मिल जाए devender.RJ08 के नाम से इंस्टा ID मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिन राखी से पहले कोई भी बुक्स ऑर्डर मत करना, प्लीज़ आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी इसके लिए ऑर्डर मत करना, क्योंकि मैं उसको आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा, राखी जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं नहीं जा सकता पोस्ट ऑफिस वगैरह, क्योंकि तोड़ पड़ता है थोड़ा सा, तो जाने आने जाने बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता, इसलिए अभी आपको कुछ दिन, बस कुछ दिन ओनली, ठीक है। तो ये अपडेट था, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप सभी का डाउट क्लियर हो गया हो कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कब फॉरम आएंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। धन्यवाद।